हिंदुस्तान के समस्त संविदा कर्मी स्पष्ट रूप से सुन लेवे कान खोलकर। 1,10,000 समस्त संविदा कर्मी, आप लोगों के 1, 3, 1, 2 सभी फॉर्मूले सरकार के आपको नियमों में उलझाने की साजिश है। हमें सिर्फ कांग्रेस के जन घोषणा पत्र के वादे के अनुसार सरकार स्थायी कैसे करे, ये सरकार का मसला है, न ये कोई हमारा मसला है, न संगठन के पदाधिकारियों का मसला है, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने घोषणा पत्र में वादे के अनुसार स्थायी करने का वादा किया था। इसी कड़ी में मैं आगे स्पष्ट कर दूं, राजस्थान के 24,000 विद्यालय सहायक, पंचायत सहायक भाई बहनों को, इसके साथ ही तमाम कैडर, चाहे NRHM हो, PSM हो, मदरसा पैरा टीचर्स हो, चाहे लेखा सहायक हो, नरेगा हो, जो भी है, जितने भी है शिक्षा कर्मी, राजीव गांधी पैरा टीचर्स, आप लोगों की 5 वर्ष की सेवा के अनुभव पर 20 वर्ष वो बिंदु संख्या 20 सेवा नियम 2022 के अनुसार आपको स्थायी सरकार कैसे करे, ये अपन को मांग प्रमुखता से रखनी है। इसी में सबका भला है। दूसरी बात, इसी कड़ी में हमारे भाई नरेंद्र राजपुरोहित जी जोधपुर पहुंच चुके हैं, लेखा सहायक संघ से दिलीप जी गहलोत वहां है ही, उनका साथ देने के लिए मैं तमाम राजस्थान के विद्यालय सहायक, पंचायत सहायक भाई बहनों से निवेदन करूंगा। हमारे जोधपुर जिला अध्यक्ष भाई तरुण चितारा जी, जालौर जिला अध्यक्ष भाई हमारे अमरदास वैष्णव जी, और जालौर जिला संयोजक भाई हापुराम सियाग साहब, प्लस जोधपुर और जालौर के तमाम ब्लॉक अध्यक्षगण, ब्लॉक संयोजकगण, जिला अध्यक्षगण, जिला संयोजकगण, जिला कार्यकारिणियां, आम पंचायत सहायक, विद्यालय सहायक, सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि कल की तारीख में मुख्यमंत्री जी फिलहाल जयपुर में मिल नहीं रहे, आपको अपने 1-1 फॉर्मूले को मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाना है। मुख्यमंत्री जी की जहां जहां सभा है, कार्यक्रम है, उन टेंट में हमें चाहे मुर्गा बनना है, किसी भी तरह का प्रदर्शन करना है, जो वरिष्ठ साथियों के हमने नाम लिए हैं उनके निर्देशन में आप लोगों को ये काम सफलतापूर्वक हासिल करना है। और उसके अलावा उदयपुर के साथी हमारे संघर्षशील भाई निरंजन श्रीमाली जी, भाई दिनेश बोटरेचा जी, अर्जुन सिंह गोगुंदा जी, रोशन जी झाड़ोल साहब, और फलासिया के हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण, तो तमाम उदयपुर के ब्लॉक अध्यक्ष साथी, जिला अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणियां, ब्लॉक कार्यकारिणियां, उदयपुर के आम पंचायत सहायक, विद्यालय सहायक और तमाम संविदा कर्मी, सभी से हमारा एक निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी के इन कार्यक्रमों को सफल बनाएं और इनमें हमारी मांग प्रमुखता से रखें, जन घोषणा पत्र के वादे के अनुसार कैसे स्थायी करें। सरकार की मंशा है कि 1-2 का फॉर्मूला, 1-3 का फॉर्मूला, 1-4 का फॉर्मूला, हमको कोई फॉर्मूले नहीं सुझाने। इसलिए तमाम साथी, कल जोधपुर की तैयारी पर उदयपुर की तैयारी, प्रदेश कार्यकारिणी को दोष नहीं देना है या किसी अन्य आदमी को दोष नहीं देना है, हमारे घर पर माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आपको मजबूती के साथ में अपनी बात रखनी है। इसलिए जोधपुर के तमाम साथी सुन ले, या आपके एक एक व्यक्ति के नेतृत्व में ये कार्यक्रम सफल होना चाहिए। जालौर के, जोधपुर के आसपास के साथी जो जो पहुंच सके, पाली, जो भी टच के जिले, आपको उदयपुर के पास में जो जिले हैं, जोधपुर के पास में जो जिले हैं, किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री जी तक विद्यालय सहायक, पंचायत सहायकों के 5 वर्ष के सेवा काल के आधार पर किस तरीके से स्थायी और नियमित किया जाए, ग्रेड पे कैसे लागू की जाए, ये आपको मुख्यमंत्री जी को बताना है। इसके लिए हमारे लेखा सहायक संघ से हैं, विद्यालय सहायक संघ के, NRHM के, PHS तमाम पदाधिकारी आपको वहां बिल्कुल मिलेंगे। रामजीत पटेल की आपसे हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम होकर एक गुजारिश है। जय संघ, जय संयोजक। रामजीत पटेल, संयोजक राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ।